नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूटो एक्सप्लोर में। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कैलाश। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से मैं आ गया हूं चावला मोटर पे और आपको आज एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन स्टॉक दिखाने वाला हूं। और आज मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पीछे आप देखें तो सियाज से लेके स्विफ्ट से लेके i20 और क्विड होगी और होंडा सिटी होगी, बहुत सारी इसमें आज वीडियो में गाड़ियाँ होंगी। बहुत ही बेहतरीन ब्लॉग होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करिएगा, यह आपका अधिकार है। बाकी वो तीन नाम जिन्होंने हमारे वीडियोस पे कमेंट किए थे, जिनमें पहला नाम जाता है सुरेंद्र जीना, दूसरा नाम जाता है HL वार्गी और तीसरा नाम जाता है अंजन कीर्तानिया, तो आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार दिखाने के लिए न्यू टू एक्सप्लोर की वीडियो पे। बाकी उन सभी सब्सक्राइबर्स और सभी फैमिली मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें इतना प्यार दिखाते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, वीडियो को शुरू करेंगे और दिखा देते हैं आज का आपको चावला मोटर का स्टॉक। तो दोस्तों करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत और एक बार फिर हम चावला मोटर पे आ गए हैं और बहुत ही बेहतरीन स्टॉक एक बार फिर से आपके सामने लाए हैं। और आज हम काफ़ी अच्छी गाड़ियां दिखाने वाले हैं आपको, कुछ हैचबैक भी हैं इसमें, कुछ सेडान भी हैं। तो शुरुआत हम करेंगे, मारुति सुजुकी सियाज खड़ी हुई है। और प्रमोद जी एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में। थैंक यू। बहुत लोग आपकी फ़ैन फॉलोइंग हो गई है, बहुत लोग आपको कमेंट करते हैं, तो इसकी क्या डिटेल है सर? सर ये सियाज है, 2017 मॉडल है सर, ये बहुत शानदार गाड़ी है, सिर्फ और सिर्फ 22,000 किलोमीटर चली। तो ये कौन सी वाली सियाज है? ये ZDI प्लस है सर, ये पुश बटन स्टार्ट आती है, मतलब टॉप एंड वेरिएंट हो गया। हाँ जी हाँ जी, डीजल में हो गया ये। हाँ जी। तो बाकी इसमें और क्या क्या फीचर्स आते हैं? सर इसमें आपके अलॉय व्हील्स आ गए, एयर बैग्स आ गए, लेदर सीट्स आ गई, लेदर इंटीरियर आ गया, बहुत अच्छे अच्छे वेरिएंट आते हैं। नई कितने की आ रही है सर? नई इस समय आप डिपेंड करती है, ZDI है, 12-12.5 के आसपास आती है ये। 2017 मॉडल चावला मोटर पर इसका प्राइस क्या है सर? इस हमारे यहाँ पे इसका सिर्फ और सिर्फ 6,95,695। नेगोशिएट भी कर सकते हैं सर? स्लाइटी आपकी शर्म है सर, आपके यहाँ से जो कोई आएगा आपका नाम लेके। हमारी शर्म बिल्कुल मत कीजिए आप। नहीं 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 सर, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा काम रहता है जानकारी लोगों तक पहुँचाना। बिल्कुल। और लोग जानकारी मिलती है उनको, अगर उनको लगता है कि हमारे बजट। देखिए कैलाश जी, अगर आप सही जानकारी देंगे तभी आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी, तभी आपका काम और अच्छा लगेगा। बिल्कुल, हम कभी भी नहीं कोशिश करते हैं कि हम एक कोई दुकानदार बने या डीलर सेलर बने, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हम भी एक कस्टमर बन के ही आएँ और जो भी जेन्युइन डिटेल है वो आप तक पहुँचाएँ। सियाज हो गई, इसके साथ बढ़ते हैं आगे। ये स्विफ्ट क्या डिटेल है? 2009 मॉडल है, CNG ऑन पेपर है सर, ये लगभग चल चुकी है सर 70,000 के आसपास। 2009 70,000 के आसपास चल गई है। ओनर इसका? ओनर फर्स्ट। अच्छा, इसमें कुछ बम्पर वगैरह? सर देखिए 2009 की गाड़ी है, थोड़े एक आधे पीस सर इसमें पेंट कराने पड़ जाते हैं हमको, स्क्रैचेस स्लाइस स्क्रैचेस होते हैं उसको रिमूव कराना पड़ता है। ठीक है, और बाकी नॉन एक्सीडेंटल की गारंटी रहती है। क्या प्राइस रखा है ये सर? सिर्फ और सिर्फ 1,80,000 रुपये। 1,80,000 रुपये में आपको स्विफ्ट गाड़ी मिल जाएगी, वो भी CNG लगी हुई। और CNG मतलब ये सिक्वेंशियल होगी? नॉर्मल सर, मारुति की गाड़ी में नॉर्मल CNG बहुत अच्छी कामयाब होती है। कितने की आ रही है अभी जो आ रही है? अभी आ रही है स्लाइट 5.5-6 से इसकी स्टार्टिंग हो जाती है, बेसिक मॉडल CNG वो स्टार्ट हो जाते हैं और वो आगे तक काफ़ी ऊंचे तक, वो तो फिर LXi ZXi तक। बिल्कुल बिल्कुल। तो बढ़ेंगे आगे, एक और आपको गाड़ी दिखाते हैं, i20 खड़ी हुई है ये सर, इसकी क्या डिटेल? सर इस समय की बहुत ही ट्रेंडी गाड़ी है ये। ट्रेंडी गाड़ी है और यूथ में बड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत ज़्यादा फेमस। हाँ, तो इसकी क्या डिटेल है? ये 2013 का मॉडल है सर, पेट्रोल है, प्योर पेट्रोल, स्पोर्ट्स वेरिएंट है ये। स्पोर्ट्स ABS? स्पोर्ट्स ABS। ठीक है, क्या क्या आता है स्पोर्ट ABS? स्पोर्ट्स ABS में अलॉय व्हील्स आ जाते हैं आपके, एयर बैग आ जाते हैं आपके, स्टीयरिंग पे कंट्रोल आ जाता है आपका, एक कंप्रेसिबल स्टीरियो आ जाता है, काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स आते हैं i20। ठीक है, कितना ये चला चुका है? ये चल चुकी है आपका 55,000।
55,000। थोड़ा बहुत कुछ पेंटिंग डेंटिंग इस पे? सर देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ यही बात। सर मैं तो हर गाड़ी में पूछूंगा आप। बिल्कुल, मैं वही, मैं आपको, लेकिन मेरी वही बात तब भी वही रहेगी और अभी भी यही है, जो जहाँ जरूरत होती है सर, कोशिश रहती है कि जो भी आप जानकारी है, आप बहुत अच्छी, सर बहुत अच्छी बात है ये, जो भी जानकारी आपको देनी चाहिए बहुत अच्छी बात। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं सबके पास तक जेन्युइन जानकारी। बिल्कुल बिल्कुल सर। प्राइस पे आ जाते हैं, इसकी प्राइस इसका सर 2,80,000। 2,80,000 स्लाइट नेगोशिएट ऑन द टेबल। नई कितने की आ रही है आज जो आ रही है? अब तो चेंज हो गया ना, अब तो काफ़ी कुछ अलाइट वेरिएंट आ गया है, वो 6+ की आ रही है। बढ़ते हैं आगे, एक और गाड़ी दिखाते हैं आपको, रेनॉल्ट क्विड। पहली बार कर रहा हूँ मैं आज अपने अब तक के कैरियर में, यूट्यूब कैरियर में जितने भी मैंने ब्लॉग बनाया, आज पहली बार क्विड दिखा रहा हूँ सर। इसकी सर ये छोटी सी फैमिली कार है सर, किसी की छोटी छोटा परिवार हो, बहुत अच्छी उसके लिए। इसका प्लस पॉइंट इसकी एवरेज पेट्रोल पे, एवरेज इसकी 21-22 की आती है सर पेट्रोल पे। हाँ जी, आजकल बाइकों शायद इतनी एवरेज देती होंगी। बाकी अगर फीचर की लोडिंग की बात करें तो इसमें क्या क्या लोड रहे हैं? सर इसमें आपका पावर स्टीयरिंग आ जाता है, पावर विंडो नहीं आती है, एसी आ जाता है, हीटर आ जाता है। अच्छा हीटर है। हाँ जी, कॉम्पैक्ट कार है सर। ओके, पावर विंडो नहीं। माइलेज इसका 20-22 आ ही जाता है। हाँ, 21। बाकी ये मॉडल कौन सा है? ये RXL। RXL, हाँ जी। ईयर क्या है इसमें? 2016। इसमें कोई पेंट वगैरह? सर देखिए, इसमें बम्पर्स पेंट हो गए। हाँ जी, हाँ जी, वो बम्पर्स पेंट तो आपको हमारी स्लाइटली ज़्यादातर गाड़ियों में मिलेंगे क्योंकि स्क्रैचेस लग जाते हैं इसमें। नई कितने की आ रही है? नई ये आ रही है सर आपकी 4,00,000 के आसपास आती है सर, अंडर 4,00,000 के अंदर ही आ जाती है। आपने क्या रखा? मैंने इसका सर बहुत ही शानदार प्राइस लिखा है इसका, 2,25,000 रुपये, 2,25,000 रुपये। 2,25,000, वो भी नेगोशिएबल। बाकी और बढ़ते हैं आगे, एक और गाड़ी दिखाते हैं आपको। ये भी i20 है? ये ग्रैंड i10 है सर। क्या डिटेल है इसकी? ये 2018 का मॉडल है सर, सिर्फ 18,000 किलोमीटर ही चली हुई है। लास्ट ईयर की है? कौन से महीने की है ये? ये है आपकी आई डू थिंक अप्रैल की है सर। अप्रैल का, मतलब एक साल लगभग हो चुका है इसको। i10 ग्रैंड न्यू शेप है ये। बाकी इसका अंदर फीचर की बात करें, अंदर पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, एसी, हीटर सब कुछ सर आता है। हाँ जी, पेट्रोल है? पेट्रोल, प्योर पेट्रोल। प्योर पेट्रोल। हाँ जी। इसका कितना माइलेज आ जाता है लगभग? सर इसका माइलेज आप लगा के चलिए 14, 13, 14, 13, 14 ऐसे। इतना? हाँ जी। नई कितने की आ रही है? नई अगर आप देख के जाएंगे सर, अगर मैगना वेरिएंट ही 5.5-5.5 के आसपास बैठती है। ये i10 ग्रैंड मैगना वेरिएंट है, आपने इसका क्या प्राइस रखा? ये सर बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस रखा है हमने इसका, 4,20,000 रुपये। सिर्फ 4,20,000? ठीक है, तो ये i10 मैगना ग्रैंड आपके सामने खड़ी हुई है। आज के वीडियो की हम आखिरी गाड़ी दिखाते हैं, ये खड़ी है होंडा सिटी रेड कलर में। गाड़ी तो चमक रही है, लेकिन बाकी तो आप एक बार चेक करेंगे आएंगे, इंजन और जो ट्रांसमिशन की स्थिति है वो खुद आप देख करके चेक करिए यहाँ पर। बाकी हम आपको बॉडी लाइन बाहर से दिखा सकते हैं, इंटीरियर दिखा सकते हैं। तो सर प्रमोद जी, इसकी डिटेल? सर 2009 मॉडल है, CNG ऑन पेपर है। बाकी इसमें फीचर्स में क्या क्या है? बाकी फीचर्स होंडा सिटी के फीचर्स सर बोलने की जरूरत ही नहीं है, फुली लोडेड कार्स होती हैं ये। इसमें पावर स्टीयरिंग SMT है सर। SMT। हाँ जी। इसमें पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, AC, हीटर, कंप्रेसर, स्टीरियो सब कुछ आता है। कितना ये चला चुका? ये चल चुकी है आपकी 65,000। और नई कितने की आ रही है? ये न्यू वाला शेप है ना ये आईवी टेक है सर। अब जो आ रहा है वो भी आईवी टेक है, लेकिन उसका शेप चेंज हो चुका है। क्रोल ग्रिल्स हो गई, ये चेंज हो गई है, बम्पर का थोड़ा शेप चेंज हो गया है। ओके। लाइटें थोड़ी चेंज हो गई है आगे पीछे की, थोड़ा सा फर्क आ गया। तो इसका अपने क्या प्राइस है? इसका सर बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है, 2,45,000 रुपये। 2009 मॉडल, 2,45,000 रुपये में बहुत ही बेहतरीन चमचमाती हुई कार खड़ी हुई है। तो ये तो आज हमने आपको वीडियो दिखा दिया, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं फैसिलिटीज़ के बारे में। तो प्रमोद जी, फैसिलिटीज़ की बात करें तो फाइनेंस वगैरह अवेलेबल है सबके लिए? बिल्कुल बिल्कुल सर, फाइनेंस अवेलेबल है सबके लिए। दिल्ली NCR प्लस? दिल्ली NCR तो सर बिल्कुल 100% है। हाँ। और पैन इंडिया के लिए सर उसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। हाँ। कि कस्टमर क्या करते हैं, उनकी प्रोफाइल क्या है, वो सब डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग हम बता पाते हैं कि हाँ इसमें हम आपको लोन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मतलब फैसिलिटी है? बिल्कुल। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन जो कराते हैं आप, इनके NOC वो आप अपने हैंड से कराते हैं? नहीं सर, उसके चार्जेस कस्टमर को देने होते हैं। चार्जेस कस्टमर देगा? लेकिन सब फैसिलिटी हमारी तरफ से होती है सर, हर चीज सब आप ट्रांसफर कराते हैं, NOC वगैरह सब कुछ, हैशल फ्री डॉक्यूमेंटेशन होती है सर यहाँ पर। आपको आइए, आप गाड़ी लेके जाइए, जो डॉक्यूमेंट्स आपके आने होंगे वो आपके एड्रेस पे हम डायरेक्ट कोरियर कर देते हैं, आपको वापस आने की जरूरत भी नहीं होती है। ठीक है, बात आ जाती है अब थोड़ा इनकी गारंटी वारंटी की। हाँ जी, आफ्टर सेल सर देखिए, स्मॉल मॉडल्स छोटे मॉडल्स होते हैं, इनमें गारंटी वारंटी नहीं दे पाते। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है हम बैठे हैं सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
ओके ओके, नहीं सर्टिफाइड कार है तो उसमें गारंटी वारंटी रहती है। सर्टिफाइड अलग वेरिएंट हो गया, अलग चीज़ हो गई, और गारंटी वारंटी अलग चीज़ हो गई। अच्छा। गारंटी वारंटी होती है ऊंचे मॉडल्स में। ओके। जो कंपनी से वारंटी आ रही है उसके बाद हम भी वारंटी देते हैं ऊंचे मॉडल। छोटे मॉडल्स में सर गारंटी नहीं होती, सर्टिफाइड होती है। सर्टिफाइड के बाद ये भी हो गया सर, ऐसा है नहीं कि हमने आपको गाड़ी दे दी हम आपको भूल जाएंगे। नहीं नहीं, चावला मोटर्स में कभी ये नहीं होना चाहिए ना। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो प्रमोद जी एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी गाड़ियां दिखाने के लिए। फिर मिलेंगे आपसे जल्दी ही, आपका स्टॉक अपडेट करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और इसमें आज हमने काफ़ी सारी छोटी गाड़ियां दिखाई हैं, हैचबैक की, हैचबैक रेंज की, और कुछ एक दो लग्जरी टाइप की गाड़ियां भी हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। आपकी कोई भी क्वारी हो, कोई भी जानकारी लेनी है, आपका कोई भी सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर लिखें। बाकी एड्रेस और यहाँ का फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरी डिटेल होती है, आप कॉन्टैक्ट करें, कोई ना कोई आपका फ़ोन पिक करेगा, नहीं करता है तो आप एक मैसेज छोड़ें, व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ें, तो आपको रिवर्ट ज़रूर मिलेगा। अपनी आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप अपना यहाँ पर जो है व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ें। तो ये था आज का वीडियो, उन्हीं दो बातों के साथ ख़त्म करता हूँ। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, लेकिन अस्त व्यस्त मत रहो। तो मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।